दी ग्रेटर इकबाल पार्क में और पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान भर से सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। उलमाए कराम ने नामूसे अहले बैत पर खूब तकारीर की। ऑल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस में तरीके लब्बैक या रसूलल्लाह के बानी और चेयरमैन मौलाना अशरफ आसिफ जलाली ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मौलाना अशरफ आसिफ जलाली के पंडाल में आते ही इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फिजा लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों से गूंज उठी। ऑल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भर से सैकड़ों नामवर उलमा ने शिरकत की। मौलाना अशरफ आसिफ जलाली ने नामूसे अहले बैत के लिए कानून बनाने पर जोर दिया। में ये जो कुछ हो रहा है ये हर किस आजादी की इजहार या आजादी की तकरीर नहीं बल्कि ये सरासर दहशतगर्दी है और उम्मत मुस्लिमा पर हमला है। पाकिस्तान भर से आए उलमा ने नामूसे अहले बैत पर तकारीर की। उलमा का कहना था कि तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत और नामूसे अहले बैत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तौहीद और रिसालत के बाद करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, हुजूर की बात, हुजूर के अक़वाल, हुजूर के अफ़आल, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, हुजूर की औलाद, हुजूर के असहाब, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अशिया अशख़ास, जो चीज भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे नबी से निस्बत रखती है, हर निस्बत रसूल का दिल से हया करने वाला सुन्नी होता है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं मांगी गयी। ऑल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भर से आए इन हजारों अफराद का ये मुतालबा है कि अहले सुन्नत के अकायद और रवायात का एहतराम किया जाए। कैमरामैन वसीम निसार के साथ साजिद अली, सिटी 42।